टेंस का हिंदी में काल है, उस टाइम समय का बोध कराता है, मतलब ये समय का बोध कराता है। किसका? समय का। जब कोई कार्य होता है, यानी कि टाइम पर समय, जो अपना समय है वो एक तो बीत चुका होता है, एक अभी हम काम कर रहे हैं और एक हम काम करेंगे, तो ये एक समय चक्र है, तो यानी कि टेंस है वो एक। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भविष्य काल किसी भी एक्शन की डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त तीनों टेंस में से प्रत्येक को चार भागों में बांटा गया है, कि इनके जो एक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के, इनको कार्य के आधार पे चार भागों में बांटा है, ये ध्यान में रखना है। कितने भागों में? प्रेजेंट को भी चार में, पास्ट को भी चार में और फ्यूचर को भी चार भागों में, जिसमें पहला है इनडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि इनडेफिनिट का मतलब क्या है कि इसमें कार्य की स्थिति निश्चित नहीं होती, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही क्यों ना हो, इसमें कार्य मतलब एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इसमें इस बात का बोध होता है कि कार्य हो रहा है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? कार्य हो रहा है ऐसा पता लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। परफेक्ट में क्या होता है? इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है। क्या होता है? इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध, यानी कि कार्य समाप्त सा हो गया है। किसमें? परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें इस बात का बोध होता है कि कार्य पहले से ही जारी है। पहले से ही जारी है मतलब पहले से ही चल रहा है, पहले से ही कार्य चल रहा है, परंतु अभी भी उसका कुछ भाग और शेष है, यानी कि अभी भी कार्य भी होएगा आगे, यानी कि अभी भी कार्य आगे होने वाला है, तो वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले से चल रहा है, अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और आगे चल आएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इनको हम ये इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिवाइड करते हैं, यानी कि तीनों को ही फोर फोर में डिवाइड करेंगे। तो थ्री टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इन सब के फोर फोर पार्ट हैं, तो टोटल हो गए 12। कितने? 12। टेबल देखिए, द टेंस ऑफ वर्ब शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन इवेंट और एन एक्शन। कहने का मतलब ये है कि टेंस है वो टाइम टाइम को दिखाता है, यानी कि जो टेंस का जो वर्ब होता है, वर्ब के अनुसार ही पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब के अनुसार ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो वो जो है वो टाइम को दिखाता है कि किस टाइम में कौन सा काम हो रहा है। स्टेट ऑफ एन इवेंट एन एक्शन यानी कि कार्य, कि उनकी कार्य की स्थिति क्या है, कार्य की क्या स्थिति, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। टेबल देखिए, ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे सिंपल इंडेफिनेट वाले बताए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। आप इंडेफिनेट भी कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। ये है कंटिन्यूअस वाली लाइन, जिसको आप कभी कभी प्रोग्रेसिव भी कहते हो। प्रोग्रेसिव क्या कहते हो? प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस वाली। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट लाइन है ये, परफेक्ट वाली। प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर
परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये वाली लाइन हो गई आपकी सिंपल वाली, कंटिन्यूअस पास्ट और परफेक्ट, और सॉरी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहा मैंने, टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दिस लाइन सिंपल, दिस लाइन कंटिन्यूअस, दिस लाइन परफेक्ट एंड दिस लाइन परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, इसमें वी वन है, क्या है वी वन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट सिंपल में आई रोट ए लेटर, इसमें सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट में। फ्यूचर सिंपल में सेल या विल, तो आई के साथ में सेल, आई सेल राइट ए लेटर, सेल विल के बाद में वी वन, आई सेल राइट ए लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम राइटिंग ए लेटर, आई के साथ में एम आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज राइटिंग ए लेटर, पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो वॉज आएगा आई के साथ में, क्योंकि पास्ट में तो कंटिन्यूअस में तो वाज वर होता है, फ्यूचर ओ सॉरी प्लूरल हो तो वर आ जाता है और सिंगुलर हो तो वाज। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई सेल बी, तो बी लगेगा, और राइटिंग ए लेटर, इनमें फोर्थ फॉर्म लगती है आई एन जी, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, देख लो कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आ गया ना, आई सेल बी राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, आई हैव रिटन ए लेटर, आई के साथ में हैव, आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म है ये रिटन। पास्ट परफेक्ट में आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आई सेल उसके बाद में हैव, सेल विल तो रहेगा ही, तो आई के साथ में सेल, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा सेल विल रहेगा, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें सेल या विल तो आएगा ही, तो आई सेल, तभी तो पता चलेगा कि ये फ्यूचर है। आई सेल हैव रिटन ए लेटर, तो आपने परफेक्ट में क्या देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आ रही है, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन रिटन रिटन। आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर, आई सेल हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। और परफेक्ट में साथ में कौन से काम में लेते हैं, हैज हैव हैड, हैड तो पास्ट में आ जाता है, हैज हैव इसमें काम में आता है, और एक हैव इसमें भी काम में आता है फ्यूचर वाले में, सेल हैव या विल हैव, लेकिन आई के साथ में सेल, तो आई सेल हैव रिटन ए लेटर, और थर्ड फॉर्म काम में ले रहे हैं, रिटन रिटन रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, आई सैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई सैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में राइटिंग राइटिंग और राइटिंग, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, राइटिंग राइटिंग और राइटिंग, सब में कंटिन्यूअस की वजह से, परफेक्ट की वजह से हैज हैव हैड, तो हैड इसमें हैव, आई के साथ में हैव आ रहा है, इसमें फ्यूचर भी आएगा, ठीक है, सेल आई के साथ में सेल है और हैव, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के दोनों रूप हैं।
ठीक है, राइटिंग आ रहा है ना, राइटिंग फोर्थ कंटिन्यूअस में ही होता है ना। वी फोर, वी फोर किस में होता है? वी फोर मतलब आई एन जी वाली फोर, एक तो इसमें है आई एन जी वाली फोर, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, एक इसमें है राइटिंग राइटिंग और राइटिंग। लेकिन इसमें देखो बीन भी है, बीन ये किस में मिलता है? बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलता है, किस में मिलता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो दोबारा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो ये थे टेंस की जानकारी। फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए लेसन के साथ।